आगरा थी खानगी बस द्वारा गुजरात लई જવાતા સોના ચાંદી હીરા અને કિંમતી સ્ટોન સહિત લગભગ 3 કરોડ કિંમતનો ગેરકાનૂની કિંમતી સામાન સરુપંગજ પોલીસ દ્વારા કબજે કરી 3 વ્યક્તિની હિરાસતમાં લીધા। सिरोही जिल्लानी सरुपकगंज पोलीसे एक मोटी कार्यवाही हाथ धरी हती अने भारी मात्रा में कीमती धातुओ जप्त करी हती। डीएसपी किशोरजी चौहाणे जणाव्यु हतु के सरुपगंज पोलीस स्टेशनना अधिकारी सगनलाल डांगी माय जप्ता साथे उदवरिया टोल प्लाजा नजीक पेट्रोलिंग करी रह्या हता त्यारे आगरा थी सूरत जती बस ने अटकावी तलाशी लेता बसनी अंदर एक खास चेम्बर बनावामां आवी हती। बसनी पाछळना चेम्बरमांथी मोटी मात्रामां कीमती धातु आश्रे 3.56 क्विलट चांदी 4.400 ग्राम सोनू 100.947 ग्राम हीरा 2.708 ग्राम पत्थर अने 11,200 रुपया रोकड़ मरी आव्या हता। पोलीसे जणाव्युं छे कि आ कीमती धातु एसके ट्रावेल्सनी बस द्वारा आगराथी गुजरात लई जवामां आवी रही हती જ્યાં તેને સુરત અને અમદાવાદમાં સપ્લાય થવાની હતી। આ કેસની માહિતી મળતા જ પોલીસ અધિક્ષક મિલનકુમાર જોહિયા ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને સમગ્ર મામલાની માહિતી લીધી હતી। અહીં સ્વરૂપગંજ પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસમાં સામેલ લોકોની ઓળખ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। અશોક રાણાવાસિયા ZSTV સિરોહી। उसके ऊपर सरूपगंज पुलिस ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एसके ट्रेवल्स की बस जो आगरा से सूरत जा रही थी उसको रुकाई, तो उसको रुकवा कर उसको चेक किया तो उसके अंदर 3 क्विंटल और 56 किलो चांदी, 542 ग्राम गोल्ड, 11,200 रुपये नकद, 946 ग्राम डायमंड और स्टोन है वो 2 किलो और 608 ग्राम उसके अंदर मिले हैं, जिसको जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। ये सब कहाँ जा रही थी सामग्री पूरी? ये आगरा से सूरत, राजकोट और गुजरात के अंदर सप्लाई होनी थी। सर कितने आरोपी गिरफ्तार किया गया इसमें? अभी जब्त किया गया है माल, अनुसंधान चल। कितने लाख की होगी? चलिए अनुमानित अब लाख तो आइडिया लगा लो आप।